रोजगार आज के जीवन की सच्चाई, हर युवा की आंखों का सपना यही तो है। इसी रोजगार को पाने के लिए लोग अपना घर, सगे संबंधी और बहुत कुछ त्याग कर आगे बढ़ते हैं और दूसरे देश सहित दूसरे राज्यों में आते हैं और बनते हैं प्रवासी। क्या आप जानते हैं आज के इस कोरोना काल में प्रवासियों की हालत? अगर नहीं तो आज हम नहीं आपको अपनी हालत से रूबरू करवाएंगे खुद युवा प्रवासी और बताएंगे आप बीती। उत्तराखंड सरकार ने हमें कुछ लिंक भी भेजे थे रोजगार के लिए, हमने उस पर अप्लाई भी किया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है और मेरे पास अभी आय का कोई साधन नहीं है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अभी तक जो नौकरी से चल रहा था, जितनी सेविंग थी बस वही हम जो है अपना घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन आज के टाइम में कोई साधन नहीं है आय का। और मुझे 4 महीने हो गए हैं कोरोना काल में मैं घर आया हूँ, 4 महीने में मुझे 4 रुपये का रोज़गार नहीं मिला है और ये बहुत ही विचारणीय विषय है। सरकार हमें कोई ना कोई रोज़गार दे और मेरा कहना है अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कि थोड़ा प्रवासियों की सुध लें और सरकार को भी। पौड़ी के रहने वाले इस युवा का कहना है कि सरकार द्वारा कुछ लिंक भेजे गए थे कि रोजगार मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। युवक का कहना है कि 4 महीने में 4 रुपए का भी रोजगार नहीं मिला, अब आगे और क्या उम्मीद रखें। दरअसल इस कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड राज्य में लाखों प्रवासी वापस अपने घर लौटे हैं, मगर प्रदेश में रोजगार न मिलने की वजह से यह सभी युवा बेरोजगार और परेशान हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी दिल्ली में काम कर रहे कई युवा कोरोना काल के दौरान अपने घरों की ओर वापस गए, लेकिन रोजगार न मिलने की वजह से अब वे सभी हताश और निराश हैं। हमने जब इन युवा प्रवासियों से बात की तो उनकी आपबीती सुन आंखें झलक उठी। कोई तो अकेले ही अपने घर वालों की बैसाखी बना हुआ है तो कोई आंखों में हजारों सपने संजोए बैठा है। किसी की जुबान सरकार से शिकायत करते नहीं थकती तो किसी की खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती है। जो प्रवासी लोग हैं, जितने भी अभी प्रवासी मजदूर घर आए हैं, तो अभी हमें लगभग यहाँ पर 4 महीने से ज्यादा का समय होने वाला है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हम लोगों को रोजगार के लिए भी कोई व्यवस्था मुझे तो दिख नहीं रही है। जहाँ तक अगर बात करें कि रोजगार के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे घोषणाएं की थी कि इतने दिन का काम मिलेगा, ब्ला 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 वगैरह जो भी बोला है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक कोई रोजगार की यहाँ पर कोई बात है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। सभी लोग आहत है और जितने भी हमारे भाई बंधु बाहर से आए हैं उन लोगों का काम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चल रहा है। और मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ घोषणाएं की है तो उसको। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की बिगड़ी रोजगार व्यवस्था के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चेहरे पर युवाओं के भविष्य को लेकर रोजगार की चिंता की लकीरें साफ नजर आईं। उत्तराखंड के अंदर भी ये संख्या बहुत बड़ी है, हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना जन्य जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है, पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीने भी छोड़िए, लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं, जिनके सामने एक लंबा भविष्य था वो अवसाद में मौत का फंदा अपने गले में डाल रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पहले कहा था कि सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही, अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी बीरबल की खिचड़ी की तरीके से धरातल पर उतर नहीं रही है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मनरेगा अपने पूर्व धरने के अलावा कहीं नई संभावना। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इन युवा प्रवासियों की गुहार सरकार तक पहुँचती है और इनके लिए कब तक एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।